नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नरेंद्र मोदी की लहर का ये सबसे कड़ा इम्तिहान अब होने वाला है। 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की वो लहर जो लोकसभा चुनाव में सामने आई थी, क्या वो अभी भी बरकरार है? क्योंकि अब तक जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, बीजेपी का सूपड़ा वहां साफ होता हुआ नजर आया है। और करारी हार बिहार की बात कर ली जाए, कर्नाटक की या उत्तराखंड की, बीजेपी को झेलनी पड़ी है। सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों ही महत्वपूर्ण स्टेट हैं, और इन दोनों स्टेट्स में बीजेपी अपनी उस लहर को क्या दोहराएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या लोकसभा चुनावों की मोदी लहर बरकरार है? मोदी लहर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में बाजी किसकी? मोदी के हुनर और मुलायम की विरासत में कांटे की टक्कर। 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनावों में कौन भारी? लोकसभा चुनाव के बाद देश के 9 राज्यों के उपचुनाव मोदी सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान जमकर वोटिंग हुई। विधानसभा की इन 33 सीटों में 11 सीटें उत्तर प्रदेश, 9 गुजरात, 4 राजस्थान, 3 असम, 2 पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, त्रिपुरा की एक एक सीट है। इसके अलावा गुजरात की बड़ोदरा, तेलंगाना की मेडक और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ है। इस दौरान वोटरों में खासा उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट रखने का फैसला करने के बाद लोकसभा की बड़ोदरा सीट खाली हुई थी। इसी तरह तेलंगाना का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की मेडक सीट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे देने पर खाली हुई थी। हम लोगों को पूरा भरोसा है, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। इसके साथ ही जो उपचुनाव विधानसभा के भी हैं, उनमें भी बहुत अच्छी सीटें समाजवादी पार्टी निकालेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी लोकसभा का चुनाव और 11 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें मैनपुरी सीट तो जीत नहीं है और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और इसके साथ साथ जो 11 विधानसभा सीटें पर चुनाव हो रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। इस साल मई में सत्ता में आने के बाद से इस उपचुनाव को नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता की एक और बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इससे पहले बिहार में हुए उपचुनाव की भी तुलना मोदी की लोकप्रियता से की गई थी, जहां बीजेपी को 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का काफी कुछ दांव पर है, क्योंकि मई में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 80 में से 73 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों और मैनपुरी लोकसभा सीट पर सबकी नजर टिकी है, क्योंकि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी अपनी साख बचाने की चिंता है। मैनपुरी सीट सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने खाली की है और सपा ने मैनपुरी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है, क्योंकि वहां से मुलायम के बड़े भाई के पौत्र तेज प्रताप सिंह यादव मैदान में हैं। सपा के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना ही सिर्फ चुनौती नहीं है, बल्कि उसे जीत के उस अंतर को भी बरकरार रखना है जिससे मुलायम जीते थे। और खास बात है कि मैनपुरी में बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, इससे तेज प्रताप सिंह और बीजेपी के शिव सिंह शाक्य के बीच वहां सीधा मुकाबला है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस और सपा ने सभी 11 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और भाजपा 10 सीटों पर, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे इस बात का संकेत देंगे कि साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस ओर राजनीतिक हवा बह रही है। यूपी के जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें सहारनपुर नगर, नोएडा, ठाकुरद्वारा, बिजनौर, निघासना, बलहा, सिरातू, रोहनिया, हमीरपुर, चरखारी और लखनऊ पूर्व शामिल है। इन सभी सीटों पर बीजेपी के विधायक थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है। शारदा चिटफंड घोटाले की आंच तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं तक पहुंचने के बीच ये उपचुनाव हो रहे हैं।
गुजरात में नरेंद्र मोदी की उत्तराधिकारी बनी आनंदीबेन पटेल के लिए वडोदरा लोकसभा सीट और राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पहली बड़ी परीक्षा है। 12 वर्षों से अधिक समय में गुजरात में ये पहला चुनाव होगा जब बीजेपी अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना ये चुनाव लड़ रही है। मेडक लोकसभा सीट पर टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तेलंगाना उपचुनाव टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के इस्तीफे से सीट खाली पड़ी है। बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में राजग गठबंधन के राजद, जदयू और कांग्रेस गठबंधन से कम सीटें मिलने के बाद ये धारणा बनी है कि बीजेपी और खासकर मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर अपना दमखम साबित करना चाहेगी। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा के साथ गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो हमने ये आपको उपचुनाव जो हुआ है इसकी परिस्थितियां बताई हैं, कौन किस किस सीट पर चुनाव लड़ रहा है और महत्वपूर्ण किस हिसाब से तमाम सीटें हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और अगर गुजरात की बात की जाए, हालांकि पूरे जो 9 राज्य हैं तमाम सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और गुजरात इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 11 सीटें और गुजरात में 9 सीटें हैं। कई चीजें दांव पर लगी हुई हैं। नरेंद्र मोदी की क्या वो लहर एक बार फिर से नजर आएगी विधानसभा चुनाव में? उत्तर प्रदेश जो खासा महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव में भी, 80 सीटें में से जो है ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती थी। अमित शाह जिसकी बदौलत, सबसे ज्यादा क्रेडिट जिस चीज का लिए दिया जाता है अमित शाह को, जिसकी बदौलत वो बीजेपी के अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे, वही लहर नरेंद्र मोदी की कहिए या फिर अमित शाह की, वो एक बार फिर से नजर आएगी या नहीं आएगी। और 2002 के बाद गुजरात में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं है। 2002 के बाद आनंदीबेन के ऊपर जो दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चीफ मिनिस्टर के पद को छोड़ते हुए सौंपा था, क्या उसमें वो कामयाब होती हैं नहीं? मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर भी काफी बड़ा दारोमदार है। इन तमाम सीटों में वो सीटें निकालना जो बीजेपी के अंडर में इस वक्त हैं, क्योंकि 11 सीटों में से 10 इस वक्त बीजेपी के पास है, एक अपना दल के पास है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। इन तमाम चीजों को देखते हुए महत्वपूर्ण कई जगहों पर ये चुनाव हो जाता है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से अपने आपका परिचय कराते हैं। अशोक गोयल साहब बीजेपी की तरफ से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजीव त्यागी साहब प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दुर्गेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक गोयल साहब, मेरा सीधा सा आपसे सवाल यहां पर, अग्नि परीक्षा क्या मान रहे हैं आप लोग बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की? देखिए, ये चुनाव किसी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, किसी की सत्ता आने के लिए या सत्ता जाने के लिए नहीं है। ये चुनाव उन रिक्त स्थानों की पूर्ति है जहां के विधायक सांसद चुने गए या किसी कारण से वो स्थान रिक्त हो गए। निश्चित रूप से इन चुनावों को हम अगर राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि देखकर देखना चाहिए। मोदी जी के जहां तक प्रभाव की बात है, वो देश की जनता के अंदर जिस तरह का है वो सभी लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आज देश में मोदी जी के आने से पूरे देश का मनोबल बढ़ा है। पूरे देश के अंदर आज लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नाम की संस्था कोई है, वरना 10 सालों से प्रधानमंत्री नाम की संस्था का यह भाव दिखाई देता था। अब कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की यदि आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अभी कश्मीर के अंदर भी हुआ, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सारा वहां का प्रशासन स्थानीय फेल हो जाने के बावजूद वहां से कई लाख लोगों को निकाला भी है और पूरी तरीके से लगकर मदद जो है सेना ने वहां की। वो ठीक, मेरा ये कहना है कि इन चुनावों को मोदी जी से देखिए, निश्चित रूप से हम हर चुनाव में आगे हैं, हर चुनाव में संघर्ष में हैं, जहां जहां हमारे उम्मीदवार हैं सब लोग सामने की टक्कर में हैं और आगे हैं। परिणाम क्या होगा ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता लग जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतियों में विश्वास रखते हैं, सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, हम कहीं प्रशासनिक जो है उपयोग करके, मशीनरी का उपयोग करके चुनाव जीतने में विश्वास नहीं रखते। ये जो और ये उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं, बात यहां पर कह रहे हैं, अगर उपचुनाव को राष्ट्रीय चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, जाहिर है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हालात इस वक्त हैं उन तमाम चीजों को लेकर इन्हें सेमीफाइनल बताया जा रहा है, साथ ही साथ आप जो इन्हें चुनाव को जोड़कर देखने से इनकार कर रहे हैं, क्या मैं ये मानूं कि कर्नाटक में, उत्तराखंड में या बिहार में जो आप लोगों की स्थिति रही है उससे कहीं ना कहीं हताशा है? आप जो कह रहे हैं, मैं
बिहार के बारे में तो कम से कम ये कह सकता हूं कि 10 उपचुनावों में तीन दल जो विभिन्न एकदम बिल्कुल अलग आमने सामने थे, विचारधाराओं के थे, गठबंधन बना के कांग्रेस, वहां की लालू यादव की पार्टी, गठबंधन तो आपका भी था ना, सुन लीजिए मेरी बात, लालू यादव की पार्टी और जेडीयू, तीनों दल एकजुट होकर एक पूरी ताकत के साथ लड़े। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीट लेकर 10 में से, जबकि कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल केवल 1 सीट पर जीत पाया। मतलब सारे स्थानीय मुद्दे होने के बावजूद, खूब जातिवाद होने के बावजूद, खूब उनकी सरकारी मशीनरी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त वहां नहीं रुक सकी। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा इन्हीं सवाल के साथ में एक बार फिर से आप ही के पास, लेकिन यहां पर मेरे साथ राजकुमार भाटी साहब है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट जीतना कितना महत्वपूर्ण और साथ ही साथ ये तमाम सीटें? देखिए, मैनपुरी सीट तो हम जीत ही जीत रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी है और हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन जो गोयल साहब ने विश्लेषण किया, उनकी भाषा ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी से अपनी हार मान के चल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये कोई इस पर कोई रिजल्ट पर मुझे नहीं होगा, सरकार पर भारत मैं अगर विनम्रता के साथ ये बात कह रहा लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम जो है चुनाव का फैसले जो है वो पेटी में बंद हो गए हैं। हम उत्तर प्रदेश की जिस बात की कर रहे हैं, ये सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार आगे हैं जैसी मुझे रिपोर्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ इस तरह की बहस करें कि जो अनुचित है इस समय उचित नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, दो दिन बाद अपने आप पता लग जाएगा। तो ये हार वाला शब्द जो है, मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहा कि हम कितनी सीट जीतेंगे, आप कितनी सीट हार रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता, ये चुनाव जो इसके रिजल्ट आएंगे, अभी आपने कहा बिहार का कि वहां गठबंधन बना के दल लड़े, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ रही है और हमारी पार्टी अकेले लड़ रही है। इसके बावजूद जो लोकसभा में आपका ग्राफ था वो ग्राफ नीचे जाएगा और समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेंगी और समाजवादी पार्टी भी बढ़ेगा। चलिए, उम्मीद यही कर रही है उसका वोट ग्राफ बढ़ने वाला। एक बात और जोड़ना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के बाद 3 महीने 100 दिन से ज्यादा इनकी सरकार को हो गए हैं। इन्होंने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, विकास और अच्छे दिन आएंगे, उन मुद्दों को छोड़कर ही सांप्रदायिक मुद्दों पर इनकी पार्टी आ गई है। आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के बीच में जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए, ठीक, देश को तोड़ने वाले जवाब चुनाव आयोग ने भी देखिए, मुझे ये चुनाव के रिजल्ट, मैं कहना चाहता हूँ 100 दिन के बारे में इन्होंने जिक्र छेड़ा है, प्रदेश की जनता क्या कहना चाहता हूँ, 100 दिन में देश को क्या मिला नहीं करती है, इस पर भी अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, तो देश को अच्छे दिन कैसे मिले, देश की जनता आज क्या एहसास कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वक्त दूंगा आपको अशोक गोयल साहब, यहाँ पर वक्त दूंगा मैं आपको। राजीव त्यागी साहब मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजीव त्यागी साहब, क्या सिर्फ ये चुनाव, अगर सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहूं, क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है या कांग्रेस इसमें अपने अस्तित्व के साथ है? हालांकि 11 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में एक भी नहीं थी। राजीव साहब, चलिए, संपर्क उनसे हमारा फिलहाल यहां पर टूट गया है, कोशिश करेंगे उनके पास एक बार फिर से जाने की। दुर्गेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। दुर्गेश जी, अगर इन चुनावों का आकलन यहां पर किया जाए मोटे मोटे तौर पर, इस वक्त उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन दोनों की परिस्थितियां किस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये आज उपचुनाव हुए हैं, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सीट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहां से मुलायम सिंह जी जो है जीत करके गए थे और वो उनकी एक पिछले 3 दशकों से उनके परिवार के पास ही वो सीट है, उनकी ही वो सीट है, तो वहां बहुत ज्यादा संभावना जो है नहीं दिखती है किसी और पार्टी के। लेकिन टक्कर में, हाँ, लेकिन ये है कि वहां जो प्रेम सिंह शाक्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि अभी शिव सिंह शाक्य जो है जी, तो बराबर की टक्कर, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी वर्सेज एसपी दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग विधानसभा और लोकसभा में जो हम लोगों को अंतर देखने को मिलता है, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था वो बहुत उसे आगे किया गया, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल की तरफ, हाँ, वो अशोक गोयल वापस आऊंगा मैं आपको सेलेबल आइटम। अगर यहाँ पर टक्कर की बात की जा रही है, कौन किसके मुकाबले में यहाँ पर जो बड़े चेहरे हैं सामने आए हैं, उन्हें दिखा देते हैं एक बार कि इस वक्त इन चुनाव में जो बड़े चेहरे हैं, तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से और प्रेम सिंह शाक्य बीजेपी की तरफ से, ये दो बड़े चेहरे मैनपुरी सीट पर, जिसे बचाने की पूरी कोशिश यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएगी। टी जयप्रकाश रेड्डी कांग्रेस की तरफ से और के प्रभाकर बीजेपी, ये मेढक सीट से है,
जहां पर पूरी कोशिश की जा रही है तेलंगाना की, अगर यहां पर बात की जाए वडोदरा सीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ी, वहां से नरेंद्र रावत जिन पर आज एक सेल्फी लेने का भी आरोप लगा, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से रंजन बेन भट्ट बीजेपी की तरफ से यहां पर जुड़े। वही तो ये बड़ी सीट जो मैनपुरी की हमने आपको दिखाई, तो तमाम ये बड़े चेहरे हैं जो आज इस उपचुनाव में रहे। राजीव त्यागी साहब प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। राजीव त्याग, उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांग्रेस का क्या आकलन है? 11 सीटें जिसमें से 10 इस वक्त बीजेपी के पास थी और एक जो है अपना दल जो बीजेपी के साथ रहा है, कांग्रेस का क्या आकलन है इन उपचुनाव में? चलिए, तकनीकी खामी यहां पर राजीव त्यागी साहब से जुड़ने में यहां पर बार बार आ रही है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनके पास चलने की जब तक ये तकनीकी खामी यहां पर सुधारी जाती है। लेकिन मैं वापस आता हूं अशोक गोयल साहब आपके पास, यहां पर जिस तरीके से नरेश साहब ने भाटी साहब राजकुमार भाटी साहब ने कहा कि जो चेहरा सामने किया गया वो क्या नरेंद्र मोदी का ही था? ये चुनाव जो इस वक्त लड़े जा रहे हैं क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं? लेकिन जो इस वक्त के हालात बयां किए गए, स्टार प्रचारक जो आपके रहे योगी आदित्यनाथ, उसके बाद जो परिस्थितियां हैं, क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि आपको एक और ट्रायल करना चाहिए किसी और को लेकर, इसलिए इस चेहरे का इस्तेमाल किया गया? देखिए, इनके कहने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनावों में अपने अच्छे उम्मीदवारों के साथ पूरे मनोबल से जनता के बीच गई है। जहां तक पुराने जो 73 सीटों का आप जो है बताते हैं कि जो हमारा पिछला अभी परिणामों से जो है लगा था कि उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप, वो क्लीन स्वीप आज भी कायम है, आज भी जनता के दिलों में मोदी जी राज कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आया है कि ये जो चुनाव हैं ये स्थानीय स्तर के हैं, इनमें कहीं ना कहीं जातिवाद भी हावी होता है, कहीं धन बल भी हावी होता है। लोगों का पैमाना कौन कहां बदल रहा है? मेरी बात पूरी होने दीजिए। कहीं ना कहीं धन बल भी हावी होता है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी भी इसमें बड़े अच्छे ढंग से, जो दिखाई नहीं देती लेकिन वो काम कर रही होती है। तो इन सारी चीजों के बावजूद भी हम इन चुनावों को जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन जीत रहे हैं। आज मैं नोएडा में था, परसों मैं सहारनपुर में था, और भी कई स्थानों का मुझे सभी जानकारी ली है मैंने, मुझे जानकारी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी जो बिजनौर सीट है, मुझे जानकारी है इसके बराबर में जो दूसरी एक और ठाकुर द्वारा सीट है। सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं और जीत रहे हैं, कोई उनमें किसी प्रकार की संशय की बात नहीं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं इससे अलग जोड़ के, जातिवाद की बात अक्सर भारतीय जनता पार्टी उठाती है और हमारी पार्टी पे विशेष तौर पे आरोप लगाते हैं जातिवादी पार्टी। इनकी जो नोएडा में प्रत्याशी है, गोयल साहब आप बीच में बोलने के, आप हम आरोप नहीं लगाते हैं, थोड़ा अपने आप पर संयम रखें, आप बीच में बोल पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नोएडा में जो इनकी प्रत्याशी लड़ी है विमला बाथम, अभी भी आप जाकर होर्डिंग लगे हुए हैं नोएडा में देख लें, उन्होंने विशेष तौर पर लिखा नीचे वैश्य, मतलब जाति का नाम लिखने की उन्हें जरूरत पड़ी है, जाति का नाम लेकर चुनाव लड़ी है और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर घंटे को अपनाती है, भारतीय जनता पार्टी को अगर दंगा कराना पड़े तो दंगा कराएगी, धर्म का सहारा लेना पड़े धर्म का सहारा लेगी, जाति का सहारा लेना पड़े जाति का सहारा लेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इन चुनाव में, मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है क्या उसका कोई जाति सूचक चिन्ह पीछे नाम है कि नहीं है? जाति का नाम किसी ने नहीं लिखा, कोई प्रत्याशी नहीं लिखता है, मैंने नहीं देखा कोई प्रत्याशी जाति का नाम लिखता हो, केवल आपकी प्रत्याशी ने जाति का नाम अलग से लिखा है। मैं उसका भी जवाब दूंगा, एक मिनट आप जरा पहले अपनी बात कह लें पूरी कर लें। मैंने दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुद्दे उठाए इस चुनाव में, बहुत जो देश को तोड़ने वाले और बहुत विद्वेष और आपस में वैमनस फैलाने वाले मुद्दे उठाए हैं, और जिस तरह की भाषा बोली है गैर जिम्मेदारीपूर्ण, एक हाथ में माला है दूसरे हाथ में भाला है, वो एक मारेंगे हम 10 मारेंगे, ये इस तरह की भाषा ना राजनीतिक लोगों को बोलनी चाहिए और संत को तो कतई नहीं बोलनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे संत भी ऐसी भाषा बोलते हैं, संत तो कम से कम इन चीजों पर होने। गोयल साहब, ये जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया है, ये उपचुनाव, ये जनसत्ता संग्रह है, अगर इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज गिरता है वोट का परसेंटेज, तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ की बातों से इस उत्तर प्रदेश की जनता सहमत नहीं है। ठीक, ये असल में क्या है कि ये लोग बौखलाए हुए हैं।
जो हार है लोकसभा चुनावों की अभी पचा नहीं पाए, उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने प्रशासन के माध्यम से पूरी ये कोशिश की है कि किस तरीके से इन विधानसभा चुनावों में, मैं यहाँ 3 दिन हो गए मैं यहाँ नोएडा में आया हूँ, लगातार एक जहरीला प्रचार बिमला बाथम के खिलाफ किया गया। बिमला बाथम वैश्य उसी तरीके से आज से नहीं, 5 साल पहले भी अगर कहीं जो मैं कागजात दिखा तो सकता हूँ। लिखने की क्या, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, ठीक है, सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बिमला बाथम वैश्य आज से नहीं, 4 साल पहले से ही, जैसे मैं अशोक गोयल लिखता हूँ, कल को आप ये क्या गोयल क्यों लिखते हैं, गोयल ऐसे ही लिखते हैं कि वो जो मैं गोयल हूँ इसलिए गोयल लिखता हूँ, अगर कोई दूसरा प्रत्याशी पांडे है तो वो पांडे लिखता है, ये महत्वपूर्ण, ये चीज गलत है। हम जिस मुद्दे पर आना चाहते हैं इसमें और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे सुनिए भाई साहब प्लीज, परसों मुझे ये कहा गया कुछ लोगों के द्वारा, ये वैष्णव ही तो ईसाई है, इयान बॉथम जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो बॉथम, इयान बॉथम ये उस नस्ल की है और ये बॉथम जो है वैष्णव नहीं है, जबकि हमने लोगों को समझाया कि बॉथम जो है, सवाल ये नहीं है जी, बेकार बॉथम समाज, बॉथम समाज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में वैश्य समाज का उपवर्ग है, गोयल साहब आप लिखते बहुत हैं, लोग लिखते हैं आपकी जानकारी में नहीं है, नहीं ठीक, कुछ लोग पंडित भी लिखते हैं, मैं इसी मुद्दे पर आया था, इसी मुद्दे पर आया था, आज भी लिखते हैं। भाटी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या यहाँ नहीं, ठीक है ठीक है, अगर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है जिस चेहरे को लोकसभा चुनाव में, ठीक है ठीक है ठीक है, गोयल साहब कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हिंदुत्व सबको सम्मान लेकर आगे लेकर, भाटी साहब अगर अगर यही कोशिश है सबको सम्मान देते हुए आगे चलने की विचारधारा है, मैं भी हिंदू हूँ और मुझे भी अपने हिंदुओं ने, आपके ऊपर भी गर्व है कि आप, और मेरी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव भी हिंदू हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता केवल वो हिंदू है, जो इनकी परिभाषा पे खरा उतरे, आप लोग रखे, आप लोग जो हिंसा फैलाए, जो आगजनी करे, जो नफरत फैलाए, इनकी नजर में केवल वो हिंदू, कौन आगजनी करता है कौन नहीं करता है, भाईचारे का धर्म है, मालूम है आपने भाईचारे को तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी, भाटी साहब पहले नहीं पूछ रहे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कभी दखल नहीं होते, एक एक करके, जब से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की रखना चाहते थे सरकार ये बनी है, कितने दंगे हुए, मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक ही वर्ग की बात कहना, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, मैं समझ गया, हम जो है जहाँ जो है बनारस के अंदर, मैं चुनौती देता हूँ आपको, देश में जितने दंगे हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जरूर शामिल रही है, कोई भी दंगा अगर हुआ है ये आपका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जरूर शामिल रही है, आंकड़ा मेरे पास, बिना भारतीय जनता पार्टी के दंगे नहीं होते, आपकी पार्टी दंगे जानते हैं, ठीक है गोयल साहब, 16 मई के बाद बता देता हूँ, मुसलमान का भाइयों को भाइयों मुसलमान की नीति पे चलते हैं, आप गलत बोल रहे, कोई चर्चा नहीं होने वाली है गोयल साहब, भाटी साहब मेरी अपील है आपसे, एक बार आप आराम से अपनी बातें रख सकते हैं, 16 मई की अगर बात हो रही है यहाँ पर दंगों की बात है, एक आंकड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 16 मई से लेकर 16 मई से 25 जुलाई तक के बीच में 605 छोटी बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 200 ऐसी घटनाएं 11 उन विधानसभा क्षेत्रों में हुई हैं जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं। मैं भाटी साहब आपसे एक सवाल यहां पर जानना चाहता हूं, यहां पर जातिगत राजनीति की बात हो रही है, सांप्रदायिकता की बात हो रही है, बीजेपी का चेहरा हिंदुत्व का तमाम विरोधियों की तरफ से सामने रखा जाता है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसा क्या हुआ लोकसभा चुनाव के बाद कि अब के जो चुनाव हो रहे हैं आपके इन प्रत्याशियों में आपने अल्पसंख्यक जो आपके नेता हैं उनमें से सिर्फ एक को ही टिकट दिया? नहीं ये तो सीट वाइज पार्टी तय करती है, चेंज हुआ एजेंडा, चेंज हुआ आप लोगों का? देखिए सुमित जी, बहुत मैं बिना शोर मचाए बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो भी आपने कहा सांप्रदायिक घटनाएं हुई, हर घटना में FIR दर्ज है, लोग जेल तक गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगों को भड़काने में शामिल पाए गए हैं, और ये जो आप गोयल साहब कह रहे हैं कि आप गोयल साहब बीच में बोलते हैं फिर शोर मचाना पड़ता है, आप चर्चा अगर करना चाहें, आप मैंने कौन सी घटना है भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी नहीं पाए गए, जेल नहीं भेजे गए, जमानत पर रिहा था और उन्हें मंत्री तक बनाया गया, कौन थे किस तरीके से थे, कैसे किया गया, इसको बहकाने का काम स्पीड बढ़ाते रहेंगे, मैं भी शोर मचाऊंगा, नहीं आप शोर मचाना नहीं चाहते, आप अपनी बात कहिए, ये कह एक एक करके बात रख सकते हैं, आप अपनी बात कहिए। दूसरी बात, जहां भी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल पाए गए हैं और इस प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी दंगे नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही इस उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हिंदू मुसलमान लड़ाए गए,
मंदिर भी टूटे, मस्जिद भी टूटी, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही गुजरात में नहीं 2000 मैंने ये पूछा कि आखिर ये जो एजेंडा चेंज हुआ है आखिर में आकर कि आप अपने एक अल्पसंख्यक नेता को ना वो टिकट जो है नहीं देते, एक सिर्फ एक को टिकट देते हैं, क्या ये सिर्फ बीजेपी जिस तरीके से जीत कर आई है उस वजह से चेंज हुआ है? जवाब दीजिएगा। मैं पहले यहां पर राजीव त्यागी साहब के पास जाना चाहता हूं, काफी देर से उनसे आप हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पाया है। राजीव त्यागी साहब, अभी तक जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बीच में जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें बीजेपी की लहर रहेगी या फिर समाजवादी पार्टी की, या कांग्रेस भी अपने लिए कुछ अस्तित्व तलाश रही है? देखिए, एक बात मैं बहुत साफ वही से कह देता हूं कि इसमें मोदी जी की लहर नहीं रहेगी। उपचुनाव में पहले भी आपने देखा है कि उपचुनाव में निश्चित रूप से उनकी लहर नहीं चली। कारण यह है कि जब चुनाव प्रचार कर रहे थे मोदी जी और 2014 का लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस टाइम वो 2020 के हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे, वादे कर रहे थे, महंगाई 100 दिन में कम करने की बात कर रहे थे, कालाधन 100 दिन में वापस लाने की बात कर रहे थे और पाकिस्तान को 100 दिन में सबक सिखाने की बात कर रहे थे। तीनों ही मुद्दों पर मोदी जी फेल हुए, तो ये लिटमस टेस्ट में मोदी जी उत्तर प्रदेश में फेल होने जा रहे हैं। रही बात, अभी अशोक गोयल साहब ने एक बात कही थी कि हमारे लिए ये लिटमस टेस्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। अभी अब राजकुमार भाटी जी ने एक बात कही कि इनके जो बहुत सारे मंत्री हैं वो कहना उसका उनपे केसेस दर्ज है, वो जमानत पर रिहा है। अरे भाटी जी, मंत्री जी नहीं इनके, इनके तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनको तड़ी पार करने का काम किया था गुजरात हाई कोर्ट ने, वो जमानत पर रिहा है, वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी पंडित दीनदयाल साहब, उसकी बात तो चार्जशीट जो उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई उसके बाद तो फिर खुद फटकार लगी। उत्तर प्रदेश में सुमित जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती से प्रेजेंस दिखाएगी इन चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी का आईना दिख जाएगा इस बात का। कारण ये है कि 11 की 11 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के अगर इसकी एक भी सीट खत्म होती है तो इसका मतलब मोदी जी का जादू नहीं है, और अगर ये सारी सीट जीतते हैं तो मोदी जी का जादू बरकरार है। तो इसी तरह से लिटमस टेस्ट होता है पॉलिटिक्स में। तो चलिए, कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को अगर एक भी सीट हारती है तो यहाँ पर कांग्रेस का मानना है कि मोदी की लहर कम होगी, यही आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है भाटी साहब, बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक, अशोक गोयल साहब एक कम हो चुकी है, ठीक है। ठाकुरवाड़ा से नवाब खान साहब मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वापस अपने सवाल पर आ रहा हूं मैं यहाँ पर भाटी साहब आपके पास, कि आखिर ये पैमाना क्यों बदला है? नहीं, वक्त दूंगा मैं आपको, सुमित पूरा आपके सवाल का मैं सीधा सीधा जवाब देता हूं। ये पैमाना क्या सिर्फ इसलिए बदला है कि जो एजेंडा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उठाया उसमें वो कामयाब रही, 80 में से कितनी ज्यादा सीटें 73 के आसपास जो बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, सवाल ये है क्या इस वजह से चेंज आए? देखिए, समाजवादी पार्टी सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, सबको समान रूप से समान दृष्टि से देखने में विश्वास रखती है। इस देश की पॉलिसी रही, इस देश के नेताओं ने जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था और जिन्होंने संविधान निर्माण किया था और जो देश के निर्माता थे, उनकी पॉलिसी रही कि देश धर्म के आधार पर नहीं चलेगा और इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें विशेष अवसर दिए जाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें मुख्यधारा में लाया जाएगा। समाजवादी उस नीति पर चलती है समाजवादी पार्टी। अब क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को सबसे ज्यादा सम्मान देती है, सबसे ज्यादा टिकट देती है, सबसे ज्यादा अधिकार देती है, विकास में भागीदारी देती है। समाजवादी तो पार्टी की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं, अब इस वजह से पीछे हटना, आपको लगा कि जो लोकसभा में काम नहीं चला वो अब आगे ना चल पाए विधानसभा में? देखिए, चुनाव में जो टिकट दिए जाते हैं वो हार जीत का आकलन करके, प्रत्याशियों की स्थिति का आकलन करके, कौन प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूं, ये कोई पॉलिसी चेंज समाजवादी पार्टी की नहीं हुई। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी, मैं भी आपकी बात कह रहा हूं, चलेगी जो टिकट इसीलिए तब दिए जाते हैं जब पार्टी को लगता है कि उम्मीदवार जीतेगा। मैं बोलूं सुमित जी, सवाल पूछना चाहूंगा अशोक गोयल जी से। जी, अशोक गोयल जी बहुत देर पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रिगिंग कर रही है, उनका प्रशासन उनके पक्ष में काम कर रहा है। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है तो चुनाव आयोग तो आपके हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तो चुनाव आयोग को आपने क्यों नहीं कहा? नंबर एक। नंबर दो बात ये पूछना चाहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है, गुजरात में 9 सीटों में उपचुनाव है, तो क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी रिगिंग करेगी? तो इन दोनों सवालों का जवाब भी दें। वो गोयल साहब, सिर्फ सरकारी मशीनरी पर आप बहुत बड़ा अंतर है कार्यशैली में, कहीं एक शिकायत नहीं है उत्तर प्रदेश में, पूरे बूथ पर भी शिकायत नहीं है। त्यागी जी सुनिए मेरी बात, कहीं कोई शिकायत नहीं आपके प्रत्याशी ने कहीं शिकायत करी? त्यागी जी सुनिए मेरी बात, सुन लेते हैं, जवाब सुनते हैं। जी गोयल साहब बोलिए। बहुत बड़ा फर्क है कार्यशैली में,
अभी जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं हिंदूवाद के और इसवाद के, तो मैं आपको सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, सुनिए बात, सभी बातों पर आ रहा हूँ त्यागी जी, आपकी सभी बातों का जवाब दे रहा हूँ। हिंदुत्व का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मोदी जी बनारस के अंदर जुलाहों के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज देते हैं, मोदी जी कश्मीर के अंदर पिल्ले का वातावरण बन जाता है। हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम इस देश के दोनों नागरिक समान नागरिक हैं, हम उन सबके लिए, हम इस देश के हर भारतीय के लिए वचनबद्ध हैं, मोदी जी वचनबद्ध हैं। वहां कश्मीर के अंदर अगर पिछली सरकार रही होती, पिछली जैसी कोई सरकार होती, तो आज कैसी स्थिति वहां उत्तराखंड में बनी थी, आज कश्मीर में कैसी पिल्ले की स्थिति होती। एक दिन में एक लाख लोगों को निकालना, ये मोदी जी के बलबूते, अशोक साहब ये कैसे है कि जल व्यक्तित्व के बलबूते हुआ, जिसको समझ सकते हैं कि हम लोग आम आदमी को, समाज को हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांट। चलिए ठीक, हमारे अशोक साहब मुद्दा वो नहीं था, सिर्फ ये था कि क्या सिर्फ सरकारी मशीनरी पर आप लोग अब पूरा दारोमदार छोड़ सकते हैं, आप ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि सरकारी मशीनरी हमारी नहीं थी, इस वजह से आप लोग चुनाव हार गए, और उपचुनाव में आगे क्या स्थिति है। नहीं, हम ऐसा कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, हमने बताया कि ये फैक्ट्स होते हैं उपचुनावों के, और उपचुनावों में हुआ है, ठीक समझे नहीं। ठीक है, उपाध्याय साहब की टिप्पणी में इस पर चाहता हूं, अभी जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बदल रही हैं उपचुनाव को लेकर, ये परिस्थितियों का आखिर क्या कारण है? अगर बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाती है, तमाम विरोधी पार्टियों की तरफ से उस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कुछ उसी एजेंडे को लेकर सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर हालांकि भाटी साहब इसे इनकार कर रहे हैं, जी बिल्कुल सुमित, मुझे लगता है कि दो बातें हैं जो कि हम लोगों को समझनी चाहिए, लगातार जो डिस्कशन में हो रहा है, जैसे कि अभी गोयल साहब भी कह रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उनके चेहरे पे लड़ा गया और बहुत सक्सेसफुली पूरी तरह से एक तरफ जो है क्लीन स्वीप था और केंद्र में सरकार बनी, लेकिन उसके बाद जो स्टेट में उत्तराखंड की बात करें या बाद में बिहार की बात करें, जो बाईपोल्स हुए या जिस तरह के चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी का उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखाई पड़ा। उसके कारण भी है क्योंकि जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो कई अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जातीयता के आधार पर लड़े जाते हैं, और वहां धन बल और कई तरह के फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। अब जो है चूंकि 3 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें मैनपुरी की सीट जो कि एक बहुत ही एक परंपरागत सीट है जो कि यादव परिवार के पास पिछले 3 दशकों से है, तो मुझे लगता है कि वहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा मेरा सवाल ये है, आश्चर्य की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में इतना कौन सा फर्क आने वाला है, और जिस तरीके स्थानीय मुद्दों की यहां पर बात की जा रही है उसमें ऐसा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? बहरहाल यहां पर मुझे राजीव त्यागी साहब से टिप्पणी लेनी है, क्या उन्हें कहना है? राजीव त्यागी साहब कहिए, क्या कहना है आपको? उपाध्याय जी की बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं काम इस तरह से नहीं किया जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से 100 दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी का एक टेस्ट है, और उस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी डिसीजन लाती है या फेल होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग जाने। लेकिन मैं तो सिर्फ सुमित जी ये सवाल पूछना चाहूंगा, 2 सवाल मैंने पहले पूछे उसका जवाब नहीं मिला अशोक गोयल साहब से, 3 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जिस पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान 2020 के हिसाब से बैटिंग कर रही हो और आज वो 5 डे मैच टेस्ट मैच के हिसाब से बैटिंग कर रही हो जिसमें ड्रॉ की पूरी उम्मीद है, और मुझे लगता नहीं कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कोई इफेक्ट छोड़ पाई है। जनता के अच्छे दिन नहीं आए, हो सकता है अशोक गोयल जी के अच्छे दिन आ गए हो सकता है मोदी जी के अच्छे दिन आ गए हो सकता है कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उद्योगपतियों के जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए लेकर के मोदी जी को चुनाव लड़ाने का काम किया, उनके अच्छे दिन तो आ गए होंगे। लेकिन जनता जो है ना, देखिए ऐसा है, जनता लोगों को दिल में बैठाती है लेकिन पेट की अग्नि रोटी से शांत होती है, रोटी जब मिलेगी जब महंगाई कम होगी, महंगाई कम करने में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है और बहुत ही एक सफाई के साथ में इस तरह की बात कह रहे हैं जो कि शायद उनकी अंतरात्मा भी वो स्वीकार ना करती हो। आज वो भी महसूस करते होंगे कि देश में देशवासियों का मनोबल पिछले 10 सालों में किस तरीके से गिरा हुआ था और आज कैसे ऊंचा हुआ है। सुन लीजिए, आपको कहना तो कह लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। का योगदान इतना ही है कि क्वालिटी के लोगों ने थोड़ी बहुत दिशा दी है, देशवासियों के ऊपर आप प्रश्नचिन्ह लगाइए, देशवासी ठीक है, देशवासी जो है अपने खून से सींचने को भारत वर्ष तैयार है, तो ये सब आप ये सब बातें मत करिए। मैं तो देशवासियों की प्रशंसा कर रहा हूँ कि देशवासियों ने इस देश को बचाने का निर्णय लिया,
2014 क्रांतिकारी वर्ष के रूप में सामने आया और जो 10 साल के अंदर देश को लूटने का, दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ उसको जनता ने नकारा, कांग्रेस को विपक्षी स्थिति में भी नहीं छोड़ा। और आज जब वो जैसा कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो देश में इराक से हमारे भारतीय सकुशल वापस आ रहे हैं, हम जो है कश्मीर के अंदर सफलता के साथ में लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, हम हर जगह पूरी तरीके से सर्वधर्म संभाव के साथ आगे बढ़कर इस देश की जनता के लिए वो स्कीम ला रहे हैं कि एक दिन में 1.5 करोड़ खाते खुल जाते हैं ताकि आने वाला धन उसको कोई जो कमीशनबाजी में ना खा सके, मनरेगा के नाम पर हमें लागू कहीं किसी प्रकार का वो ना हो सके, धन सीधा सीधा आम आदमी के खाते में पहुंच सके, हम उसको खाते के बदले 1 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं, हम सारी योजनाएं, हम गांव गांव तक सिंचाई की बात कर रहे हैं, हम गांव गांव तक सड़कों की बात कर रहे हैं, हम बिजली के उत्पादन की बात कर रहे हैं, हम पेट्रोल के दाम घटाने का काम कर रहे हैं, हम 12 सिलेंडरों को मुझे जवाब ले लीजिए, जितनी भी भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, हमारा प्रधानमंत्री दमदारी से ये कह रहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसा ठीक है, एक देशवासियों को प्रधानमंत्री मिला है। ठीक है ठीक है, त्यागी साहब कुछ कहना है आपको, ब्रेक लेना है। गोयल साहब की मजबूरी है जो उनको इसी तरह से, मेरा राष्ट्रवाद जो बोलता है, मेरे दिल जो बोलता है, मेरी आत्मा जो बोलती है, मैं बोलता हूँ। सुन लेते गोयल साहब कमेंट ले लीजिए प्लीज। हाँ चलिए, ऐसा है अगर काम किया होता अच्छा तो ये हम तीनों का जो है ना जीना मुश्किल कर देते हैं, मेरा राजकुमार भाटी का तो जीना मुश्किल कर ही देते हैं इसमें। इन्हें पता है कि चुनाव हारने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये चुनाव हारने जा रहे हैं गुजरात में जहां पे इनका राज है कायदे में, और जहां पे ऐसा राज है जिसकी जांचें होनी बाकी है कायदे में, तो इसलिए आप निश्चित रहिए गुजरात में बात बिल्कुल उसे रिवाइव कर गोयल साहब। ठीक है गुजरात में बात करते हैं क्योंकि वहां पर भी काफी बड़ी अग्नि परीक्षा इस वक्त जो है बीजेपी की है। ये मलियाना नहीं बताते, ठीक है एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, राजीव त्यागी साहब को शायद इस चर्चा जी गोयल साहब ठीक है एक ब्रेक ले लेते हैं, राजीव त्यागी साहब मेरे साथ इस चर्चा में आगे नहीं रहेंगे, उन्हें जाना है कहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव साहब, राजीव त्यागी साहब हमें वक्त देने के लिए, एक ब्रेक ले लेते हैं तुरंत लौटते हैं। तो 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर किसका किसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है और कौन इसमें पास होने वाला है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं यहां भाटी साहब आपके पास आना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जिस सीट को छोड़कर गए हैं उस सीट पर उनके जो भतीजे का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, 3 लाख का मार्जिन रहा था उस वक्त, आपको क्या लगता है आसपास भी पहुंच पाएंगे वो? गोयल साहब भी ये मान रहे हैं कि मार्जिन बढ़ेगा, मैं हमारे विरोधी भी मान रहे हैं ये तो मार्जिन बढ़ेगा निश्चित तौर पर। और इन विधानसभा सीटों पर भी 11 विधानसभा सीटों पर 11 की 11 भारतीय जनता पार्टी से खाली हुई हैं और ये ज्यादातर शहरी सीट हैं जिन पर समाजवादी पार्टी कभी अच्छा प्रदर्शन पहले नहीं किया है, समाजवादी पार्टी मुकाबले में भी 1-2 जगह ही रहती थी वरना लगभग 3 नंबर पर कई जगह रही है, लेकिन इन सीटों पर समाजवादी पार्टी सीधे मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी से और आधी सीटें हम जीत रहे हैं, कम से कम ज्यादा भी जीत सकते हैं, आधी सीटें हम जीत रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार के वोट जब अगर हम चाहें जहां हारेंगे भी वहां हमारी वोट बढ़ेंगी। दुर्गेश उपाध्याय साहब यहां पर जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके समाजवादी पार्टी की दुर्गति भी हुई है तमाम चीजों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, आपको लगता है कि आधी सीटें जीतने का दावा काम करेगा? देखिए ये बात तो सुमित हम लोगों को माननी पड़ेगी कि ये जो बाइपोल्स हैं इसमें जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में आज जो एक हालात बन गए हैं, जो एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है, निश्चित रूप से हो सकता है कि अखिलेश यादव जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी हो, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक पब्लिक में जो परसेप्शन है, जो जिस तरह की घटनाओं में वो मतलब एक मुख्यमंत्री के रूप में अक्षम साबित हुए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें होंगी। लेकिन मैनपुरी की सीट की अगर बात करें वो एक परंपरागत सीट है, वहां पर मार्जिन जो है वो कम हो ज्यादा हो ये तो 16 तारीख को पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो सीट उनकी जाएगी। बाकी जो 11 सीटें हैं मुझे लग रहा है कि उसमें
में भारतीय जनता पार्टी का असली जो एक टेस्ट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो चूंकि एक रूलिंग है, वह स्टेट में अपना काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ गेन करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, 11 सीटें हालांकि जो है गठबंधन के साथ उनकी हैं। गोयल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात भी पूरा रखिएगा, लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे क्यों किया गया इस बार? क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह के चेहरे पर भरोसा नहीं था? ये तो सवाल आपका काल्पनिक है। योगी आदित्यनाथ पार्टी के सांसद हैं, सांसद के नाते जो एक पद मिला बीजेपी अध्यक्ष का, उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश में उनके प्रदर्शन को माना गया। सवाल ये भी है, देखिए राजनीति में जो सफलता मिलती है, व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से उसकी कार्यशैली को और उसने जो परिणाम दिए होते उनको भी कहीं ना कहीं आंका जाता है। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में जिस समय आए थे, उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनावों में जैसी भी थी, आपकी जानकारी में है, संभवतः शायद मात्र 10 लोकसभा सदस्य हमारे थे। उत्तर प्रदेश में कार्यशैली के आधार पर उन्होंने जो है जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया, लोगों को लगाया, जुटाया, और अंततः कांग्रेस का जो एक नकारात्मक पक्ष था भ्रष्टाचार का, महंगाई का और कांग्रेस का घोटालों का, उसके कारण जनता के अंदर जो जोश था, उस सभी कारणों को मिला जुलाकर अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीट जीती। चेहरा खोजा जा रहा है अगर मैं मोटे तौर पर कहूं, और जनता ने चुनाव लड़ा और अमित शाह जी के प्रति और मोदी जी के प्रति, हमारे पार्टी के नेताओं के प्रति लोगों की छवि जो है वो काम आई। तो हमने उपचुनाव तो बीजेपी ने उपचुनाव और मैं उपचुनाव के बारे में क्या सफल हो पाते हैं नहीं, और आगे विधानसभा चुनाव जो 2017 में होंगे उपचुनाव के बारे में आ रहा हूं। देखिए ये चुनाव चूंकि बहुत थोड़े चुनाव हैं, 10 चुनाव विधानसभा के, एक चुनाव लोकसभा का है, 10 है 11 है विधानसभा, 11 चुनाव विधानसभा के, एक चुनाव लोकसभा का, लोकसभा की उस सीट से है जिसे बार बार ये लोग भी बराबर कह रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि वो जातिगत आधार पर यादव बाहुल्य क्षेत्र है। मुलायम सिंह यादव का और उनकी जात, उनके परिवार का उस पर वर्चस्व हमेशा से रहा है, बराबर दोनों लोगों ने कहा है 30 साल से रहा। इन 11 सीटों पर नहीं, उस सीट पर, मैनपुरी की सीट पर, और उस मैनपुरी लोकसभा पर इस बार भी मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश में या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में कोई अन्य योग्य चेहरा नजर नहीं आया, अपने ही परिवार के, अपने किसी परिवार के सदस्य को ही दोबारा लड़ने का अवसर दिया है, और पूरी ताकत जैसे पहले झोंकी गई, ये जो सीटें मुलायम सिंह जी की बच पाई वो भी पूरी ताकत के बदले ही बच पाई, वरना ये भी नहीं बचने नहीं, वाली साहब जो जो परिवार की सीटें थी, मेरी बात पूरी होने दो। लेकिन इस बार वहां प्रेम सिंह साख के जो हमारे चुनाव लड़े हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल बराबर की स्थिति में चुनाव है। आज दिन जो है वहां कुछ भी परिणाम हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं, मुझे जानकारी ली है मैंने आज भी लखनऊ से, तो बिल्कुल कांटे की 50-50 टक्कर है वहां, और जब जहां 3 लाख वोटों का मार्जिन रहा हो वहां हम जो है, और ऐसी सीट पर जो बिल्कुल जातिवादी सीट हो, उस सीट पर जो है हम बराबर की टक्कर, ठीक है, परिणाम कल आएगा, आज हम बैठ की जोट नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है, परसों 2-3 दिन बाद परिणाम सामने आ जाएगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप क्या पाने वाले हैं, और दूसरा ये, अगर आप हारते हैं तो क्या वास्तव में 2015 में चुनाव की परिस्थितियां बन जाएंगी? इस चुनाव में ये जो चुनाव है, हमारा विधानसभा का चुनाव, असल में हम ऐसी टीम के साथ खेल रहे हैं, कोई राजनीतिक परिवर्तन लाने वाला चुनाव नहीं है, सब फाउल खेल रहे हैं। एक मिनट, नहीं वो सवाल आप अपनी बात कह लेना, मैं चुप हो जाऊंगा। ये चुनाव जो है कोई राजनीतिक परिवर्तन के लिए चुनाव नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चुनाव है। सुमित जी, मैं इससे ना तो प्रदेश की सरकार पर कोई सही सहमत नहीं है, लोकतंत्र में हर चुनाव ना केंद्र की सरकार का जनमत होता है, ठीक है, और इस चुनाव में छोटा बड़ा चुनाव सामने आए, ये कहकर बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव कोई जनमत नहीं है। लोकतंत्र में हर चुनाव जनमत संग्रह होता है, ये निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के आधार पर, कोरी अफवाहों के आधार पर एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में क्राइम ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में रेप ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, ये तमाम झूठ हैं, झूठे दावे हैं। जो अगर ये चुनाव देखिए, ये चुनाव ये सिद्ध करेंगे, ये चुनाव ये सिद्ध करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शानदार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, शानदार नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, प्रदेश का विकास कर रही है, प्रदेश में भाईचारा कायम कर रही है, उत्तर प्रदेश में अच्छा शासन है। भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वो झूठ है। योगी आदित्यनाथ ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश को तोड़ने वाले हैं,
ये चुनाव ये सिद्ध करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी की वोट बढ़ती है, समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा, जो सवाल मैंने पूछा था उसे तो बोल इससे भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है नहीं वो गलत होगी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर ये चुनाव जो हुए हैं, पहले इनकी जो बात आई, आप ही बोल रहे हैं, आप दूसरे को बोलने का देते हैं, हमें तो जबरदस्ती बोलना पड़ता है, आप दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। ठीक है गोयल साहब, कम से कम ये मानना है, ये जो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है, उत्तर प्रदेश में रेप की स्थिति क्या है ये उत्तर प्रदेश से ज्यादा रेप मध्य प्रदेश और राजस्थान में बताने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश से डेढ़ गुने और दूसरी बात दुगने रेप राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां आपकी सरकार नहीं है, सारे उत्तर प्रदेश से ज्यादा रेप गुजरात में होते हैं जहां आपकी सरकार सारी दुनिया जानती है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में राजस्थान में। आप कितना सच बोल रहे हैं लगातार, ये आपको कहना जाके पता लगेगा। बात रखिए अपनी, आपने सच बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, बहुत अच्छी स्थिति है, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अगर आप इसी भाषा में समझना चाहते हैं तो मैं इसी भाषा में बोलूंगा, आप शांति से बोलना नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्राइम आपके राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप जो है क्योंकि आपकी पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, मुझे बोलने आरएसएस झूठों का दल है, अभी झूठा प्रचार करते हैं आप, ठीक है, मीडिया में भी झूठे आंकड़े देते हैं आप, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सच्चे आंकड़े प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा शासन चल रहा है। बताना चाहता हूँ आज ही मध्य प्रदेश दो भाई दुकान पर बैठे हैं, क्या हुआ, गोलियों से बोल रहे हैं मध्य प्रदेश गुप्ता व्यापारी गोली, बोल साहब ठीक है ठीक है, आप आराम से अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है, गोलियों से बोल दिया क्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को, ठीक है, व्यापारियों को रंगदारी का शिकार बनाया जा रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप हंसने लगे, मेरे धर्म सच सुनने की हिम्मत आप में नहीं है, दो मुस्लिम बेटियों को केरला में, ठीक है, इस तरीके से बलात्कार का शिकार बनाया गया, जातिवादी, आप जाइए ना वहाँ पर, आपकी भाषा क्या है, आप जाइए ना वहाँ पर, आपके पास बेफजूल के चलाने से कुछ नहीं होगा, गोयल साहब भाटी साहब बेफजूल के चलाने से कुछ नहीं होगा, मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर, ठीक है, दोनों से अपील कर रहा हूँ मैं, दोनों पार्टियों के नेताओं से अपील कर रहा हूँ, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे क्या बात है, ठीक है भाटी साहब, यहां पर सवाल मेरा यह था कि अगर ये चुनाव आप लोग हारते हैं, हालांकि 11 सीटें जो हैं एनडीए गठबंधन के पास है, सवाल यह है कि अगर यहां पर तमाम सीटें बीजेपी जीतने में एक बार फिर से कामयाब होती हैं तो क्या आपकी सरकार को खतरा होगा, चुनाव 2017 के अलावा 2015 में होंगे, कोई खतरा 2012 के चुनाव में इन 11 विधानसभा सीटों पर हमें जितनी वोट मिली थी और हमने जितनी सीटें इनमें से हमारी थी, अगर उससे नीचे हम जाते हैं तो हम मान लेंगे कि इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, और अगर हम इनमें से कुछ सीटें जीतते हैं और हमारी वोट बढ़ती है इन 11 सीटों पर, तो हम निश्चित तौर पर यह मानेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है वो चल नहीं पाया है, उत्तर प्रदेश की जनता सांप्रदायिक ताकि जाल में आने वाली नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता इनकी असलियत समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार जनता है, उसने इनकी असलियत को समझा है और इस समझने के साथ ही 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय पिछले पुरानी बात हो गई, भाई साहब नहीं बोला हूँ, बोलने दीजिए, 73 की 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, उत्तर प्रदेश की जनता ये सच जानती है कि मुजफ्फरनगर का किस तरीके का दंगा किसने कराया और कौन आरोपित था, सहारनपुर के दंगे का मास्टरमाइंड कौन है, वहां भले ही जाके शिवपाल जी की कमेटी कुछ भी कह दे, कैसे सुबह को 5 बजे 6 बजे इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, ये विषय नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में क्राइम की स्थिति क्या है, मैंने अभी आपको बताया, मैं अभी 10 दिन पहले कैराना गया था, वहां दुकानों पर बैठे हुए दो एक नाम एक ही फर्म पर दो दुकान दो भाई दोनों जवान भाई दोनों को रंगदारी मांगी जाती है और वहां हत्या कर दी जाती है, वहां की जनता से जाकर पूछो कि अपराधियों में किसका नाम लिया जा रहा है, मैं यहां बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, मामला कानून के अंतर्गत है, दूसरा उससे पहले 7 दिन पहले एक दुकानदार की हत्या कर दी जाती है, उससे पहले एक जैन दुकानदार की बुढ़ाना में हत्या कर दी जाती है, शामली में एक जो है एक बहुत जबरदस्त तो शोरूम है, नहीं ठीक है, उस शोरूम के साथ डकैती होती है, हाँ, ठीक है, उसे भी धमकाया जाता है, वक, वक, उत्तर प्रदेश में जंगल राज में बदल गया, ठीक है, दुर्गेश साहब, दुर्गेश साहब, बदलाव अगर ये चुनाव जो आते हैं अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं तो मुलायम सिंह यादव को या समाजवादी पार्टी को इससे क्या हासिल होने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी अपने उस खोए हुए बहुमत को जो लोकसभा चुनाव में उसने खोया था उसे वापस पाकर ये दिखा सकती है कि लोग बीजेपी के सामने अब वो खड़े होने के लिए तैयार है, दुर्गेश साहब
देखिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सुमित जो आपने बात कही है एक तरह से समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनाधार ढूंढने का जी हाँ बिल्कुल अपने उस जो जनाधार खो गया था क्योंकि बसपा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है अब बची है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में होने के बाद जो दूसरे राज्यों में जो है बाय इलेक्शन हुए उनमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत ठीक नहीं रही, उसके अपने स्थानीय कारण है, उसको जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से जोड़ करके देखना उचित नहीं है। अब जो है समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का जो अपना जनाधार है जैसा कि भाटी साहब कह रहे थे कि इनका ये दावा है कि वो इनके साथ बना हुआ है, हो सकता है कि निश्चित रूप से उसमें कुछ परसेंटेज का कुछ फर्क आएगा और इसी से जीत और हार तय होगी। तो दोनों ही पार्टियों के लिए मुझे लगता है कि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, समझा जा सकता है कि जो उपचुनाव है इन्हें सेमीफाइनल माना जा सकता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। मेरा इसमें कहना है कुछ, मेरा ये कहना है कि जो सीट जो है लोकसभा की सीट है मैनपुरी वाली, इस सीट पर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा आने वाला है, परिणाम कुछ भी आ सकता है, हमारे पक्ष में आने के आसार हमको ज्यादा लगते हैं। चलिए और बाकी जो 11 सीटें हैं विधानसभा की इनके अंतर्गत हमारे सभी प्रत्याशी सभी सीटों पर मुख्य टक्कर में है, आगे है एक दो सीट आगे पीछे कोई होगी तो आगे पता लगेगा। उपचुनाव कहीं ना कहीं दशा और दिशा उत्तर प्रदेश की और साथ ही साथ गुजरात की भी तय करेंगे जिस तरीके से ये चुनाव यहां पर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उपचुनाव के बाद फैसला किसके हक में आने वाला है, जनता ने किसे यहां पर अपना राजा चुना है या लोकतंत्र में किसे वो मौका देना चाहती है, ये यहां पर देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त है सुदर्शन न्यूज के सवाल का, क्या उपचुनाव वाले राज्यों में मोदी लहर बरकरार है? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं, इसका जवाब कल रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। मैं सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल कल आपसे पूछा था, क्या महाराष्ट्र हरियाणा की अग्नि परीक्षा में मोदी सफल होंगे, इस सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं उसमें 91% का कहना है हां और 9% का कहना है नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।